देखिए, आज पहली बार जो है बैठक हुई है, शरद पवार जी के आवास पे बैठक हुई और इसमें सभी लोग जो हैं बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने सदस्य मेंबर्स थे सब लोग थे, सिवाय अभिषेक बैनर्जी जी के, क्योंकि हम लोग सब लोग वजह जो है जानते हैं किस हिसाब से बीजेपी जो है लोगों को तंग कर रही है, हम लोगों को, सभी लोगों को, विपक्ष के दलों को। तो इस वजह से संबंध था ईडी का, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन बैठक जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहा, पॉजिटिव रहा और सारे विषयों पे जो है बातें की गई और आगे की रणनीति को भी तय किया गया। और प्रेस ब्रीफ में केसी वेणुगोपाल जी ने सबके समक्ष जो है बात भी रखी है। तो ये तय हुआ है कि भाई पहली जो इंडिया अलायंस की जो रैली होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भोपाल में होगी। और ये भी तय किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द जो है जो भी पार्टी मेंबर्स हैं जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। और तीसरी जो बात जो है वो सब लोग जानते हैं कि जो भी पार्टी आज मौजूद थी सब लोगों ने एक सुर से सहमति जताई कि हम सब जो है कास्ट सेंसस के इश्यू को जो है टेकअप करेंगे। चौथा जो है कुछ जो बीजेपी मानसिकता की जो मीडिया चैनल है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा लेकिन सब नहीं है, लेकिन जो कुछ जो हैं जो बीजेपी के एजेंडा पे जो चलते हैं वो सब ग्रुप जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन किसको क्या जो है उन लोगों को जो एंकर होंगे उनके डिबेट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात कही है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि बताया जाता है कि मसला वहीं फंस रहा है, क्योंकि अगर जो पार्टियां अपने क्षेत्र में स्ट्रांग है वो क्या सीट शेयरिंग पर्याप्त और सम्मानजनक करेंगी? अरे देखिए, अब तो इतना तीसरी बैठक हो गई, कमेटियों की बैठक होने लगी, अब तो इतना बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, किसी को कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। और कास्ट सेंसस को लेकर क्या कंसेंसस बनाया है? हाँ, नहीं, आज जितनी भी पार्टियां थी मौजूद सब लोगों ने एक सुर से बोला है कि कास्ट सेंसस के इश्यू को